एक एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दयनीयता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा, और भाई सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले अब वैसे ही है भैया, क्या करें, एक समय रोटी बनती है उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले हाँ। बोले किसकी करते हो? बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूं। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को लिया हो तुम, उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी लिया आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पर बिठा दिया। बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे हम। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी, खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो उर्ध्वपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा, तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा, तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था, तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को लिया है तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे हो। और ठाकुर जी को बोला, तुमको यहां बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आपने? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूं, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूं, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब तेरे हृदय में यह भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं, जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्य। उनमें सदैव वही भाव रखो, ये चैतन्य है। एक बार को मंदिर में विराज रहे ठाकुर में हमारी चैतन्यता का भाव रहता है कि नहीं, ये ठाकुर जी हैं, इनके सामने बेल्ट नहीं पहननी, इनके सामने जींस नहीं पहननी, इनके सामने ऐसे नहीं जाना। लेकिन अपने घर के ठाकुर के सामने भी हम लोगों के अंदर चैतन्यता का भाव तो रहता नहीं। 2 दिन के लिए उदयपुर में महाराज किसी का ब्याह हो रहा है हमारे परिवार में, और 2 दिन के लिए जाना है पूरे घर को, 80-80 हजार रुपए के सबने कपड़े बनवाए अपने, सब लोग जाएंगे, ठाकुर जी के आगे मिश्री रख जाएंगे। बोले हम तो जा रहे हैं उदयपुर, वहीं ब्याह में रहेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, आप मिश्री का भोग लगाओ, तुम रह लोगे 2 दिन मिश्री पे? नहीं रह सकते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से एक बात बता रहा हूं मैं, इस बात को समझ लेना। ये 24 अवतार तो ठाकुर जी के हैं ही हैं, ये 25वां अवतार जो अर्चा अवतार है, ये ठाकुर जी ने क्यों धारण किया? हमारे घर में ठाकुर जी अपनी सेवा कराने के लिए क्यों पधारे? इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव भी बैठे, उनसे भी निवेदन, दास के मन में ठाकुर जी की सेवा करते हुए एक भाव आया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस भाव को कहूं कि ठाकुर जी सबके यहां सेवा कराने के लिए हर घर में क्यों विराज रहे? आप पूरे
नाथ द्वारा को देख लो, हर घर में ठाकुर जी का चित्रपट ही सही विराज रहा होगा। वृंदावन तो प्रसिद्ध है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। क्यों विराज रहे ठाकुर जी हम सबके घर में? देखो हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे, जाएंगे तो है, कोई रोक तो रहा नहीं हमको, एक ना एक दिन सबको जाना है वहां पर। तो यदा कदा हमारे द्वारा किए गए कृत्य के कारण यदि हमें कभी वैकुंठ के अलावा भी लोगों का दर्शन करना पड़ गया, मानो जैसे नरक का दर्शन हो गया या स्वर्ग का दर्शन करना पड़ गया, और उस पश्चात वहां पर बताया गया तुमने ये अपराध किया था इसलिए तुमको ये करना पड़ा, तो हम ठाकुर जी से शिकायत करने लग जाएंगे, प्रभु आपकी इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना आपका नाम गुणगान करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट, उसके बाद भी हमारे जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं, और उसके बाद भी जब हम संसार छोड़ के आए तो नरक का दर्शन, शिकायतें दुनिया भर की हम ठाकुर जी से करने लग जाएंगे, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, हम ठाकुर जी से शिकायतें करेंगे। भगवान बोले ये मुझसे शिकायत करे उससे पहले इसके यहां अर्चावतार रूप धारण करके बैठ जाओ इसके घर में। क्यों? बोले कभी ना कभी ये भी तो अपराध करेगा, सर्दी में कभी मुझे ठंडे जल से नहला देगा, भयंकर सर्दी में कभी मुझे हो सकता है पतला वस्त्र पहना दे मुझे ठंडी लगे उससे, भयंकर गर्मी में खुद तो एसी में बैठेगा मुझको पंखा भी नहीं चलाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मंदिर का पंखा बंद ही रहने दो, ये सारे अपराध ये करेगा मेरे साथ में, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। क्यों? हिसाब बराबर करने के लिए आया हूं, तुझे शिकायत करने योग्य छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये दुख क्यों किया। भगवान बोले तेरी शिकायत पूरी हो गई, अब मैं करूं शिकायत? भोग बनाते समय सब्जी देख करके भोग लगने से पहले ही तेरा मन ललचा गया था एक बार, भयंकर सर्दी में एक बार मुझे कहीं लेके जा रहे थे, बद्रीनाथ गए थे, मुझे इतना पतला वस्त्र पहनाया, मुझे सर्दी लगी, मैंने कभी शिकायत की तुमसे? तो मनुष्य की जितनी भी शिकायतें हैं उनका हिसाब बराबर हो जाए उसके लिए ठाकुर जी अर्चावतार लेके आए, कि आप ठाकुर जी से कुछ कह ना सको। यदि आपने कहा तो फिर ठाकुर जी कहेंगे, कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, अर्चावतार में एक ना एक अपराध तो हम करते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी कुछ नहीं कहते। तो वे चैतन्य है, और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंदम परमानंदम, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। श्रीनाथ जी का स्वरूप परमानंद प्रदान करता है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने दुनिया भर के रूप धारण किए, कहीं पर बांसुरी बजा रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी में रोज ब्याह कर रहे हैं, बिहारी जी में नित्य मनोरथ कर रहे हैं, श्री गोपीनाथ गोविंद देव जयपुर में विराज रहे हैं, उनके भी अलग अलग रूप, लेकिन श्रीनाथ जी का जो रूप है, स्वरूप है, इसमें सब विराजमान है, सब विद्यमान है, क्योंकि ये वास्तविक आनंद स्वरूप है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कमर पर है, किस भाव से? सावधानी से सुनिए कथा बिल्कुल। श्रीनाथ, श्री यानी राधा, श्री यानी श्री किशोरी जी, श्री यानी श्री लाडली जी, और श्री लाडली के संग युक्त होकर के जो नाथ विराजमान है वो है श्रीनाथ। सुनवे तो पहली ताली बजा रहे हो, बात तो पूरी करने दो हमको, जल्दीबाजी मत करो, अब तो पंडाल भी अपना, समय भी अपना, कथा भी अपनी, उत्सव भी अपने, पूरे दिन
पूरा दिन है अपने पास, खूब भाव से सुनो कथा। वृंदावन में जो दर्शन नहीं है वो दर्शन श्रीनाथ जी में है। कैसे? आप लोग सब बाहर से पधारे हैं, इसलिए मैं जो अपने गुरुजनों से, जो अपने बुद्धिजीवियों से जो मैंने सुना तो मैं कह दूं यहां पर। वृंदावन में किशोरी जी ठाकुर जी से, ठाकुर जी के बगल में विराज रही है, और स्वरूप में नहीं है, केवल नाम के रूप में श्री राधा रानी विराजती हैं वृंदावन में। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूक। वृंदावन में श्री किशोरी जी अपना स्वरूप नहीं दिखाती, क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे थे तो एक मयूर मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो हम आपको किसी से मिलवाने ले चले। भगवान बोले किससे मिलवाने ले चलो? चलो तो सही। लेके गया तो एक कुंड में एक गोपी सरोवर कुंड का जल भर रही थी, तो मयूर इशारा करता है, इनको देखो इनसे मिलवाने लाए हैं। भगवान बोले कौन है? मयूर बोला खुद ही देखो। अब ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ करके वेणु बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तान बजा में कि भाई ये घूम के गोपी देखे तो इसका चेहरा दिखे। लेकिन वो गोपी अपने कार्य में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ और जैसे ही उसने गागर में जल भर के जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया और कार्य पूरा करके जैसे ही पीछे मुड़ी ठाकुर जी की ओर देखा, तब ये पद गाया। बोले जब देखी वृषभानुजा, वो कोई गोपी नहीं है, श्री राधा रानी है। जैसे ही उनका दर्शन किया तो ठाकुर जी बंशी बजाना भूल गए, मतलब उंगलियां तो नर्तन कर रही हैं लेकिन फूंक नहीं निकल रही हृदय से, इतनी सुंदर श्री किशोरी जी। तो जैसे ही देखा कि भैया ये वेणु, ये क्या वेणु पे केवल उंगलियां घुमा रहे हैं, बजा क्यों नहीं रहे? तब किशोरी जी को लगा अरे हमारे स्वरूप में मोहित हो गए। सो किशोरी जी ने घूंघट कर लिया, तब से आज तक श्री लाडली जी वहां घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? बोले यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे ठाकुर जी का, और यदि मैंने घूंघट ऊपर कर लिया तो ये तो मुझे देखते रहेंगे, भक्तन ने तो देखेंगे ना, तो यहां हमारी श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठी है। लेकिन नाथ द्वारा में किशोरी जी कहां है? नाथ द्वारा में लाडली जी कहां है? ये जो स्वरूप है ये श्री लाडली जी का है। एक स्वरूप नहीं है श्रीनाथ जी, ये दोनों स्वरूप जब प्रेम में उन्मुक्त होकर के एक हो गए तब श्रीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी पूर्ववर्ती कथा में भी मैं बता रहा था कि जब रास करते हैं ठाकुर जी तो दोनों के अंग का स्वरूप क्या होता है? बोले श्री किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करती हैं, ये भाव है उनका, ये सदैव ऐसे ही नृत्य करती हैं, और श्री ठाकुर जी दोनों श्री विट्ठलनाथ के रूप में, जैसे दोनों कमर पर हाथ रख करके और इस प्रकार से ठाकुर जी नृत्य करते हैं। कभी आप रासलीला देखो तो काना मोर बनिया हो कैसे आवे, यूं ही तो आवे अपने कंधे पे हाथ रख, अपने कमर पर हाथ लगा के। तो ठाकुर जी ज्यादातर नृत्य ऐसे ही करते हैं। अब नृत्य करना नहीं आता, नहीं करके बता देता मैं। अब भाव यही है कि बार बार ठाकुर जी नृत्य करते करते ऐसे ही हो जाते हैं, और श्री किशोरी जी ऐसे ही नृत्य करती हैं। एक दिन किशोरी जी जब नृत्य कर रही तो ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तेरो मुख नीको की मेरो मुख किशोरी राधे। ठाकुर जी दर्पण देखें, दर्पण में किशोरी जी, जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों देखें तो ठाकुर जी कहें अच्छा लाडली जी यो बताइयो तुम्हारो मुख सुंदर है कि मेरो मुख सुंदर है? किशोरी जी कहें जा प्रकार से अमावस्या में पूर्णिमा को चंद्रमा खिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखवे के काजे सबन की दृष्टि व काली अंधियारी को भी देखे, वैसे ही आप हो। बोले आप तो ऐसे कारे कारे हो, आपको कोई देखो तो चावे ना है, लेकिन हम जब गौरांगी अपनो पूर्ण रूप लेकर के आपके बगल में विराज जाए ना तब लोग आपको देख लें हमारे मारे। ऐसो ठाकुर जी के संग विनोद करें श्री किशोरी जी। तो उस दिन ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। राधा रानी बोली हम तो सुंदर है ही है, बता कह रहे।
ठाकुर जी बोले, लेकिन हमारी इच्छा है रे कि आप हमारे सन्निकट आ जाओ, आप हमारे नजदीक आ जाओ। किशोर जी बोली, देखो ये सब सखियां नाच रही हैं, सब नृत्य कर रही हैं, सब रास कर रही हैं, अब हम इन सबन के सामने आपके समीप आमे ना तो हमको न कष्ट हो गए। सो किशोरी जी तो आमे नहीं, ठाकुर जी बार बार ऐसे नाचते नाचते उनको बगल में पहुंच जाए कि हमारे पास आमे। लेकिन ललिता, विशाखा और श्री यमुना, इन तीनों के हृदय में ये भाव आया कि ठाकुर जी की बड़ी इच्छा है रही है श्री किशोरी जी के आलिंगन की, हृदय से लगावे की, लेकिन हम लोगन के संकोच के मारे कर नहीं रहे। सो तीनों नृत्य करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए ताकि हमारा संकोच दूर हो जाए, हमसे जो संकोच है वो दूर हो जाए। जैसे ही तीनों वहां से प्रस्थान किए, ठाकुर जी ने और श्री लाडली जी ने देखिए अब कोई ना है, अब तो समीप आए जाओ हमारे, आपको स्वरूप इतना बढ़िया मनमोहक लग रहा है। सो किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करते करते और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते करते जैसे ही आकर के आलिंगन कियो है, सो आधो स्वरूप तो श्री किशोरी जी को और आधो श्री ठाकुर जी को श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। आप कभी गर्मी में यहां आना, मैंने तो अनुभव किया है, ठाकुर जी की जो उठी हुई भुजा है वो श्री राधा रानी है, और उस भुजा को जब आप देखेंगे तो उस भुजा में आपको गौर वर्ण का दर्शन होगा। अभी तो ठाकुर जी ने पूरा अंग ढका है, केवल मुखमंडल दिखाते हैं, लेकिन कभी गर्मी में आप आओगे तब ठाकुर जी के श्री अंग का दर्शन कीजिएगा, आपको श्री किशोरी जी भी दिखेंगे। तो आधा भाग श्री लाडली जी हैं और आधा भाग श्री ठाकुर जी हैं, दोनों के रूप एक हुए तब श्रीनाथ प्रकट हुए। हमारे ब्रज वृंदावन में तो फिर भी राधा रानी ने थोड़ा सा दूर रह के बैठी हैं, लेकिन यहां तो एक में ही बैठी। और यहां आए कहां थे, कहां से आए, हमारे यहां से ही तो आए, हमारे ब्रज से ही तो पधारे। कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारे प्रेस के सब भाइयों ने हमसे पूछा, महाराज जी आप यहां कथा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत भाव बताए। एक भाव और आ गया मेरे मन में, अब नाथ द्वारा के जो लोग बैठे हैं वो इस भाव को सुन के कहीं हम पे गुस्सा मत करना, लेकिन हम ब्रजवासी, हमारा भाव है, हमारे भाव आया मैंने कि हम तो देखो ये हमारे आए हैं कि ब्रजवासी हैं, और जब भी ठाकुर जी को देखें तो पतो ना क्यों स्वतः ही मन में भाव आ जाए, ठाकुर जी 11 घंटा चल के आना पड़े आपके दर्शन के काजे, तब आकर के यहाँ पे गाड़ी पहुंचे आपके दर्शन हो में। फ्लाइट ते भी आओ तो 6-7 घंटा तो लगी जाए, ट्रेन ते तो पूरी रात लग जाए। हम ब्रजवासी आपके प्राण धन है, आप ही कहो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। श्री गोवर्धन कभी कभी आपके बगैर सुनो लगे, तो हम ब्रजवासी इन पर कृपा करो, बहुत दिन विराज लिए राजस्थान में, अब जल्दी ब्रजधाम वापिस चलो, हमारे हृदय में तो ये भाव आ जाए। तो प्रेस वाले क्या बोले, आप हमारे ठाकुर जी को चुरावे आए हो यहाँ पे, मैंने भैया चुरावे तो ना आए, बोले हमारे ठाकुर जी कहीं ना जाएंगे, अब संभव ही ना है, वो तो यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कि आप काहे को गुस्सा है रहे हो, मतलब ठाकुर जी गए तो आप कौन से यहाँ रहोगे, आप भी आओगे, और मैंने हम सब ब्रजवासी सब आपको स्वागत करेंगे, पधारो भैया हमारे ब्रज में पधारो।